गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे पिछले क्लास में, कंसेंट्रेशन। और कंसेंट्रेशन में क्या देखे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब हम लोग सेकंड जो देखने जा रहे हैं कंसेंट्रेशन में, वो है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो ये हमारा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिखते हैं परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो अभी देखेंगे हम लोग, तीन चीज था इस परसेंटेज में, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज वी बाई वी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होता है जरा समझिए। अगर कहीं लिखा हो कि 5% बाई वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन पे, ऐसा प्रिंट हो कि 5% वी बाई वी या 5% बाई वॉल्यूम। आपको याद होगा H2O2 जब आप लोग खरीदते हैं, अरे कान में डालने के लिए, कान में गंदगी हो जाती है ना, तो उसके लिए हम लोग डायलूट, बहुत डायलूट H2O2 खरीदते हैं। तो H2O2 पे लिखा रहता है कभी कभी परसेंटेज वी बाई वी, और कभी कभी लिखा रहता है इतना स्ट्रेंथ का H2O2, या कभी कभी अलग अलग उस पर लिखा रहता है कि इतना। तो देखिए अगर कहीं लिखा है 5% वी बाई वी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है 5% वी बाई वी का मतलब कि 5 ml क्या सॉल्यूट मेक 100 ml सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे परसेंटेज बाई डब्ल्यू देख रहे थे। परसेंटेज बाई डब्ल्यू में क्या था कि 5 ग्राम सॉल्यूट मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन, और इसमें क्या है 5 ml सॉल्यूट मेक 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है। जैसे मैं कहूं कि 500 ml सॉल्यूशन है, और उस 500 ml सॉल्यूशन में हमारे पास 10 ml सॉल्यूट है, तो 500 ml में 10 ml है, तो 100 ml में कितना होगा 10/500 × 100, और ये कितना हो जाएगा 2%। तो ये हो जाएगा 2%, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं मैंने 100 में कितना है यही देखना है, तो ऊपर हमने क्या लिखा 10 ml, 10 ml मतलब, 10 ml मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम, 500 ml मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इनटू 100। तो हम लोग उसी तरह जैसे परसेंटेज बाई वॉल्यूम फॉर्मूला निकाले थे, वैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए अभी हम लोग क्या लिखे थे बी, और नीचे टोटल वॉल्यूम और इंटू 100, इस तरह से लिख सकते हैं। और चूंकि वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है एडेबल, मतलब कि VA, VA माने सॉल्वेंट, VB सॉल्वेंट, V सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन का, और ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हम उसी तरह जैसे पिछले वाले परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के फॉर्मूले को डिराइव किए थे, अगर उसी तरह से इसको भी करें तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, आप जरा देखिए 100 को नीचे ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा परसेंटेज वी बाई वी। आइए हम एक बार करके देखिए, फिर परसेंटेज वी बाई वी, नीचे क्या हो जाएगा 100, ऊपर वी बी, नीचे वी, वी को क्या लिख सकते हैं हम वी ए प्लस वी बी। और अगर इसको मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 100 परसेंटेज वी बाई वी, आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है, लाइट दे रहा है, ऊपर वी ए प्लस वी बी बाई वी वी, और यहां से हम लोग वी ए बाई वी वी, और यहां 1,
तो हम लोग एक और फॉर्मूला कि 100 बाई परसेंटेज वी बाई वी इक्वल टू वी ए बाई वी वी प्लस वन। तो बहुत बार अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो वॉल्यूम के रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम के रेशियो के लिए यहां रेशियो दे दिया परसेंटेज वी बाई वी कर रहा है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, वो फर्स्ट फॉर्मूला है जिसपे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। वैसे अच्छे न्यूमेरिकल्स तब आएंगे जब सारे कंसेंट्रेशन पढ़ लेंगे और सारे कंसेंट्रेशन का एक दूसरे से लिंक हम लोग जब वो करेंगे तब। तो आइए इस पे हम लोग जा रहे हैं, इस परसेंटेज वी बाई वी पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने। तो आइए जरा देखा जाए, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो छोटा छोटा क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं, किस पे, परसेंटेज वी बाई वी पे। जैसे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दें, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 60 ml क्या है इथेनॉल और 90 ml क्या है वाटर, और मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज वी बाई वी बताइए, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। वैसे तो इथेनॉल का फॉर्मूला भी हमें जानना होगा, यहां जरूरत नहीं है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। तो परसेंटेज वी बाई वी कैसे निकालेंगे, ऊपर किसका वॉल्यूम, अभी क्या फॉर्मूला देखे, वी बी, नीचे क्या था वी ए प्लस वी बी इंटू 100। तो बड़ा आसान है, ऊपर लिखेंगे वी बी, वी बी क्या है इथेनॉल 60, नीचे 60 प्लस 90 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ऊपर होगा 60 और नीचे 150 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 15 4 60 और 40% आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 40% आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान है। अगर आप इस पे दूसरा क्वेश्चन देखें, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे, तो आप लोग ये क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं हाउ मेनी ml, लिखूंगा नहीं, हां लिखिए आप लोग, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, अरे परसेंटेज तो दिया है 80% सॉल्यूट निकालना है तो वीवी कर दें, और नीचे तो दिया है तो पूरा क्यों ना वो वाला फॉर्मूला लगा दें जो अभी हम लोग उधर देखे थे, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था अभी जो यहां निकाले थे, ऊपर 100 था, अरे जो उससे निकाले थे ना, परसेंटेज वी बाई वी इक्वल टू वी बी बाई वी इंटू 100, इसे एक फॉर्मूला निकाले थे, वो क्या था, ये 100 नीचे आया था फिर उसको ऊपर, तो 100 बाई परसेंटेज वी बाई वी इक्वल टू ऊपर क्या था वी बी और नीचे वी ए,
प्लस वन, ऊपर ए था और नीचे बी था, हाँ ये फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले पे आप लोग कर लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ 80 रखे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिया है परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ क्या कह रहा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ हमें सॉल्यूट रखना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 100/20। और VA कितना दिया है 300, VB निकालना है प्लस वन, आइए देखते हैं ये क्या हो गया 5। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं 5VB है ना, 5VB माइनस VB इक्वल टू 300। तो VB इक्वल टू कितना हो गया 300/4, और 300/4 मतलब 75 mm। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम करते हैं, डब्ल्यू बाई वी। आइए एक और क्वेश्चन लिखिए। परसेंटेज डब्ल्यू बाई पे क्वेश्चन, सॉरी परसेंटेज वी बाई वी पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड, तो करिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड In 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of solvent। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे वाला है, आप लोग करिएगा आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 62.5 ml है। आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा घर पे। चलिए बाकी तो मैं डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा ही। थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। अब इसको थोड़ा फास्ट देखें, अब हम लोग समझ गए हैं, लेकिन एक चीज अगर कहीं लिखा है 5% डब्ल्यू बाई वी, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन माने कोई सॉल्यूशन है उसको किस किस तरह से हम दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो 5% डब्ल्यू बाई वी का क्या मतलब हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट मेक 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो 95 ml है? नहीं। क्या ये कह सकते हैं सॉल्वेंट 95 ग्राम है? नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है ml में और ये किसमें है ग्राम में, इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन इसका भी फॉर्मूला परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा, डब्ल्यू बी बाई नीचे क्या होगा वॉल्यूम माने वी ए प्लस वी बी और इंटू 100। इसका भी बिल्कुल वही होगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पे भी देखते हैं और फिर देखते हैं कि अगर इन परसेंटेज को आपस में हमें चेंज करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, और फिर देखेंगे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और देखेंगे कि कौन इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कौन नहीं करता है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट करिए 5 mole of glucose
H12O6 180 होता है मोलर मास, लेकिन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1.1 kg ऑफ वाटर. 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1.1 kg ऑफ वाटर. फुल स्टॉप. इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन परसेंटेज W/V ऑफ सॉल्यूशन. देन डिटरमाइन परसेंटेज W/V ऑफ सॉल्यूशन. इसको सॉल्व करिए. कैसे करेंगे? आपको क्या क्या चाहिए? फॉर्मूला यहां है. आपको चाहिए WB, आपको चाहिए VA, आपको चाहिए VB, ठीक है? तब हम निकालेंगे. आइए देखते हैं WB कैसे निकलेगा. 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो हमें पता है मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. 5 × 2, और ग्लूकोज का मास कितना होता है? 180. तो ये कितना हो जाएगा? 900 ग्राम. तो चलिए हमें WB पता चल गया. VA कैसे निकालेंगे? VA देखिए, VA दिया हुआ है 1.1 kg, माना 1100 ग्राम. वॉल्यूम भी इतना ही होगा. हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है अगर नहीं दिया हो तो. वैसे अगर दिया रहता तो टेम्परेचर, अगर कुछ दिया रहता तो हम लोग करते. तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग? इतना ml, ये ले सकते हैं. अब हमें आगे करना है, तो आइए हम करते हैं. ऊपर क्या लिखेंगे? 900. नीचे क्या लिखेंगे? अब देख नीचे देखिए, एक तो वॉल्यूम हम ले लेंगे 1100, लेकिन दूसरा वॉल्यूम क्या ले, 900 ग्राम है. तो इसकी डेंसिटी दी हुई है. डेंसिटी कितनी दी है? 1.25. तो हम लोग कैसे करें फिर इसको? देखिए हमें ये पता है ये ग्राम डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है, तो हमें ये पता है इतना ग्राम, और ये पता है 900 ग्राम. तो हमें डेंसिटी पता है क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो हमें नीचे क्या लिखना है? वॉल्यूम. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कि W/ρ. तो W टोटल इतना और रो 1.25 × 100, यही आ जाएगा हमारा आंसर. आइए करते हैं एक बार. तो ऊपर क्या है? 900 × 100, है ना? और नीचे क्या हो गया? 2000. और फिर नीचे ये देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कर सकते हैं 5/4. तो क्या कर सकते हैं ऊपर? 900 × 100/2000. और 5/4 को क्या लिख सकते हैं? 4/5, हमें पता है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. 2 × 0 = 2010 = 2 × 3 = 2, और ये 5 × 18, तो कितना आ जाएगा? 36% W/V. तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा. एम आई राइट? आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में 5 मोल ग्लूकोज है और 1.1 kg वाटर है. तो आप टोटल W जब निकालेंगे तो टोटल W कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है? एक बार देखिए, ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, ये कितना आ रहा है आंसर. लास्ट में अब बस एक चीज बता के और ये परसेंटेज वाला हम लोगों का खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग मोलरिटी, नॉर्मेलिटी ये सब पढ़ेंगे. आइए
एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो ट्रिक थोड़ा मुश्किल होगा, लोगों को कहीं और नहीं मिल पाएगा। खूब ध्यान से देखिए ये ट्रिक। अगर आपको दो तीन चीज, एक फॉर्मूला में बनाया हूं, अगर दो तीन चीज जैसे आपको पता है परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू, परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू, और यहां से आपको परसेंटेज वी बाई वी निकालना है, तो आप क्या करिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर यहां आपको आगे जाना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो आप क्या करिए, डीबी बाई डी, डी माने डेंसिटी, डीबी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहां से डायरेक्ट यहां जाना है, देखिए दिख रहा होता, यहां से डायरेक्ट यहां जाना है, तब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डीबी से। डीबी माने सॉल्यूट की डेंसिटी, देख लीजिए सॉल्यूट की डेंसिटी। एक और बच गया ना, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो अगर आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी करना है, तो यहां फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए डीबी से। अभी इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और इसको आगे बढ़ा के मैं पूरा वो करूंगा कि कैसे मोलरिटी से इसका देखा जाए, नॉर्मेलिटी से। अच्छा, ये जब यहां से यहां जा रहा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये आपके बड़े काम की चीज है कि यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां जाना है, तो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम आगे और पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, आज हम नहीं रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह, और डीपीपी आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में या किसी भी उसमें डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।